वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 6, 7 और 8 अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 6 अध्याय सुनेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपने छूटे हुए अध्याय सुनकर पुण्य धर्म कमा सकते हैं। आइए अब हम श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का सबसे पहले 6 अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अनादि की उत्पत्ति का वर्णन आता है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, आपने जो अरवाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी षष्ठी ब्रह्मा जी ने किस प्रकार करी, वह विस्तार पूर्वक हमें बताइए। श्री प्रजापति जी ने ब्रह्मादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचना करी, उनके जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, उन सब का वर्णन हमें बताइए। तब श्री पाराशर जी बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, तदनंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट षष्ठी हुई। हे द्विजोतम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न करी, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विशतम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख वक्ष स्थल जानू और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना करी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वदा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन, सुमार्गी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करता है, तथा जो भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सतम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चारुवर्णीय विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले तुच्छ, घोर और पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग द्विरूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णुपद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसो उल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर और पाप के बढ़ जाने से संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि में शीत, घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतो उष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना करी। हे मुने, धान, जो गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना, सन, ये 17 ग्राम औषधियाँ की जातियाँ हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियाँ याज्ञिक हैं।
उनके नाम हैं धान, जो, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, कुल्थी, ये आठ शामक, निवार, वनतिल, गवेथु, वेणुयव, मरकट, ये 14 ग्राम में अन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ कर्म सभी की निंदा की। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिल मति, वेद निंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण, आश्रमों के धर्म, अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की रचना करी। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वेश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्ववेत्ता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इस प्रकार वनवासी, वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, ग्रस्तों का पितृलोक, सन्यासियों का ब्रह्मलोक, आत्म अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवी, ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादश अक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे हैं। तामिश्र, अंधता मिश्र, महारोरव, रोरव, असीपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचक, ये जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक, सर्ग, श्याम भू व मनु तथा शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले उनका वर्णन किया है। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इस प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पोत्र क्रम से न बढ़ी, तब उन्होंने भृंगु, पुलस्तस्य, पुलह, क्रंतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि करी। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा बताए गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादिकों को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त, मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी की त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी की ज्वाला मालाओं से अत्यंत दैदीयमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्राकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उनका अति प्रजन शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौण आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयं भू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन श्याम भू मनु ने अपने ही उत्पत्ति हुए तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन श्याम भू मनु ने शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नामक 2 कन्याएं पैदा करी। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह किया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसी ग्रहण कर लिया
और उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान पैदा हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो श्याम्भू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न करी। मुझसे तुम उनके नाम सुनो, श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लजा, वपु, शांति, सिद्धि और तेरवी कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनि सत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृंगु, शिव, मरीचि, अंगीरा, पुलस्तस्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, लक्ष्मी से दर्प, घृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोक की उत्पत्ति हुई तथा मेघा से श्रुति, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र, व्यवसाय, शांति से शेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उसने अनर्त नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने रौरव के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न संतान है, ये सब ऊर्ध्व रहता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि, भृंगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग, नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इसका पूरा स्वरूप बताइए। तब पाराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का चार प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही प्राय प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है। रात और दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह देनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पूर्णार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थिर भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इस वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी है, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में कभी नहीं पड़ता। अब मैं आपको 8वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में रौद्र षष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी की सर्वव्यापकता का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया और अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर डोलने लगा। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रोते हो? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनके
सात नाम रखे तथा उन आठों के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उनके नाम रखे और उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र और पोत्र आदि को से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुद्ध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। हे द्विशतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर से विवाह किया। भृंगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं तथा लक्ष्मी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे भृंगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई। तब श्री पाराशर जी बोले कि हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है। जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये हैं। विष्णु अर्थ है और वे वाणी हैं। हरि नियम है तो ये नीति हैं। भगवान विष्णु बोध हैं तो ये बुद्धि हैं। ये धर्म है तो ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर हैं तो लक्ष्मी जी भूमि हैं। भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं तो लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं तो ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं तो देवी लक्ष्मी आज्ञाहुति अर्थात घृत की आहुति हैं। हे मुनि, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं तो लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं तो लक्ष्मी जी चीती हैं तथा भगवान कुशा हैं तो लक्ष्मी जी इदमा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं तो श्री कमला देवी उद्गति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं तो लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर हैं तो लक्ष्मी जी गौरी हैं तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य है तो कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण है तो श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वदा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है तो श्री लक्ष्मी जी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है तो श्री लक्ष्मी जी जगत चेष्टा है। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है तो लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है तो श्री कमला यमपति धूमरना है। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर है तो लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव सोम वरुण है तो महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय है तो श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय है तो लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेश है तो लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मूर्त हैं तो वे कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं तो जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं तो पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं तो कमला लया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है तो लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और श्री गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक, मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं, स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी इनके परे और कोई नहीं है। इस तरह आज मैंने आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का छठा, सातवां और आठवां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।